बेटे आज हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कि बी की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू के लिए जो ये नंबर है गिवन ये 3 से डिवाइड हो जाए आपका। तो नंबर देखें इधर 7b23 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले आप जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट वो निकालेंगे और वो डिजिट आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए आपका। ओके, तो आप हम इनका सम निकालेंगे, जैसे 7 प्लस b प्लस 2 प्लस 3, 7 2 3 इनका सम हो गया है 12 प्लस बी, तो ये आपका 12 है। अब ये b है तो b की जगह क्या क्या हो सकती है आपकी। तो सबसे पहले अभी देखो जैसे 12 है, अगर 12 डिवाइड हो जाता आपका 3 से, कंप्लीट हो गया आपका 3 से डिवाइड, तो इसका मतलब यहां पर जो b आपका 0 भी हो सकता है क्योंकि 12 प्लस 0 क्या होता है आपका 12, क्योंकि 3 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। उसके बाद 3 हो गया फर्स्ट नंबर, अब 0 हो गया, अब 0 के बाद 3 हो सकता है क्योंकि हम 12 के अंदर अगर 3 ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है तो 3 हो गया अब आपका आंसर। उससे अगला क्या हो सकता है 6 और क्या हो सकता है 9, तो 0, 3, 6, 9 ये पॉसिबल वैल्यू है आपकी किसकी, बी की। तो आप इसमें कहीं पर भी रखेंगे जैसे 7, 0, 2, 3 ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 3 रखेंगे तो 7, 3, 2, 3 ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यू होगी आपकी 0, 3, 6, 9। अब सेकंड है पार्ट इसका बी, 8, 3, b, 4, 9। अब इसे चेक करना है 3 से डिवाइड करने के लिए b की क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल ऑल वैल्यू, तो उसी तरह आप पहले इनका सम निकालेंगे 8 प्लस 3 प्लस b प्लस 4 प्लस 9, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 9 24, तो ये होगा 24 प्लस b को आप ऐड नहीं कर सकते, b एज इट इज रहेगा क्योंकि वेरिएबल है। अब यहां देखे 24 आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है आपका, तो इसका मतलब जो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए तो b की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो जाएगी सेम उसी की तरह, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, फिर इसमें 3-3 ऐड करते चले जाएंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी 0, नेक्स्ट निकालनी हो तो 0 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 3, अगली और निकालनी हो तो 3 प्लस 3 6, अगली हो तो 6 प्लस 3 9, तो ये आपकी वैल्यू होगी 0, 3, 6, 9। अब अगली बच्चे सोचे कि क्या करें 3 प्लस 3 12, लेकिन दो डिजिट हो गए हैं तो डिजिट तो सिर्फ सिंगल होना चाहिए 1, तो इसलिए ये आपके पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वैल्यू होगी आपकी बी की ऑल पॉसिबल 0, 3, 6, 9, ये सेकंड में भी बी की वैल्यू हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर 3, 6, x इज डिविजिबल बाय 3। तो सेम आपका सेकंड की तरह है, ये चेक करेंगे। फोर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। जैसे नीचे नंबर दे रखे आपको, फर्स्ट ए, 2 और b, आपको ए और बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए ए और बी की वो वैल्यू, और इवन नंबर हो। तो पहले हम 5 के लिए चेक करते हैं, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो, जैसे 100 है या 105 है, तो ये लास्ट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो पहले हम 5 के लिए, यहां पे बी है वैल्यू, तो बी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 4, 5 के लिए, डिविजिबल बाय 5 के लिए, तो बी की वैल्यू हो सकती है आपकी 0 और 5।
बट इसने बोल रखा है कि इवन नंबर होना चाहिए ये, तो 5 अगर लेंगे तो ऑड नंबर हो जाएगा, इसलिए 5 इज नॉट पॉसिबल। तो बी की वैल्यू तो होगी आपकी 0। तब नंबर हो गया आपका ए 2 0, बी की जगह हमने रख दी 0। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए, तो 3 के लिए वही इनका सम निकालेंगे हम, ए प्लस 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2। अब यहां पे देखें ये 2 है, तो जो 3 से डिवाइड के लिए इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना होता है 3, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। अगली वैल्यू क्या हो सकती है कि 3 ऐड करेंगे इसके अंदर 4, और अगली वैल्यू इससे बड़ी 3 ऐड करेंगे फिर 7, और उससे अगली 10, जो कि डबल डिजिट हो जाएगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आप बड़ी वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये 1 और 4 तो इससे छोटी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ए की हो जाएगी 7। तो ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू हो गई आपकी 0। इस तरह आप इसकी फर्स्ट की निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड के लिए, 2ab2a, ये नंबर है, ए और बी की वैल्यू बतानी आपको। यस, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर 2ab2a, हमें चेक करना है ये 3 और 5। तो पहले हम 5 का चेक करेंगे, तो 5 के लिए वही ए यहाँ पे है फर्स्ट यूनिट डिजिट, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 0 और 5, फिर वही जो कि इवन नंबर है, तो इवन के लिए 5 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ए की वैल्यू होगी आपकी 0। तब नंबर बनाए पहले आप 0 वैल्यू रख के, 2 ए की जगह 0, फिर बी, फिर 2, फिर 0। अब सिर्फ बी बच गया हमारे पास, अब इसको हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 के लिए चेक करने के लिए हमें इनका सम निकालना है, 2 प्लस 0 प्लस b प्लस 2 प्लस 0, तो ये हो गया आपका 4 प्लस b, 2 प्लस 2 4 और b। अब ये देखे 4 से बड़ा 3 की टेबल की वही चेक करना, 3 से डिवाइड करने के लिए, 3 की टेबल में होता है 3 6 9 12, ये होते हैं 15, तो 4 आपका यहां आता है, तो 4 से बड़ा क्या नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड होगा, 6 होगा, 4 से बड़ा क्या होगा 6, तो 4 में हम क्या ऐड करें कि 6 हो जाए, तो 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6, जो कि 3 से डिवाइड, तो b की वैल्यू हमारी स्टार्ट हो जाएगी अब 2 से, तो b की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 3 ऐड करेंगे इसके अंदर 5 के 3 ऐड करेंगे 8, अगली 11 कैंसिल हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी आपकी 8, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो b की वैल्यू होगी आपकी 8 और a की वैल्यू रह जाएगी आपकी 0। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंट क्या है 4th से, कि ओड नंबर आएगा अब आपका, ओड नंबर के लिए अब आप, जैसे हम ओड नंबर के लिए चेक करेंगे, तो जो 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करते वक्त 0 और 5 आते हैं, तो अब 0 नहीं नंबर आएगा, हम उसको लेंगे 5, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 7b2 5, तो 5 तो इसने पहले गिवन है, तो अब यहां पे b की वैल्यू 3 के लिए चेक करें, क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो जाएंगे, तो वही 3 के लिए चेक करने के लिए 7 प्लस b प्लस 2 प्लस 5, तो इनका सम हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 5 14 प्लस b। अब 14 से बड़ा 3 की टेबल में, 14 से बड़ा 3 की टेबल में आएगा 15, 14 से बड़ा 3 टेबल कितना होता है 15, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 14 में 15 बन जाए तो 1, तो ये हो जाएगा जैसे 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, तो b की वैल्यू होगी आपकी 1, तो b की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसमें 3 ऐड करते चले जाएंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, अगला 10, तो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी बी के आपकी 1 4 और 7। तो इसने यही पूछा है अपने 5th में कि पॉसिबल वैल्यू, कोई ग्रेटेस्ट का जिक्र नहीं इसमें, तो 1 4 और 7, तो इस तरह आप इसकी फर्स्ट की करेंगे। तो आज आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व करने बेटे, ओके।